हेलो जैन छात्रों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों की आईटीआई की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों का यहां पर आईटीआई का प्रैक्टिकल का यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का लेकर आ चुका हूं। और यह हर बार आप लोगों की आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा में आपका पूछता है। और आप लोग अपने कॉपी पर कैसे लिखेंगे यह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग बिल्कुल ऐसे ही अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, आप लोग प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे, अच्छे खासे आपका नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आपको आईटीआई की कोई भी अपडेट्स नोटिस या फिर कोई भी आपका एग्जाम रिगार्डिंग अपडेट्स या फिर एग्जाम का तैयारी भी आपको इस पर करवाई जाती है, तो आप लोग आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज मैं जो प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ, यह व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा। तो देखिए, आप लोगों का व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल है, तो आप लोग अपनी कॉपी पे कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आपको हेडिंग डालना है पहले उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद डालना है आपका व्हीट स्टोन सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मापन करना, ठीक है। अब इसके बाद आवश्यक सामग्री एवं उपकरण, आपको प्रैक्टिकल के दौरान कौन कौन से आवश्यक सामग्री और उपकरण का प्रयोग करना है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो यह भी आपको हेडिंग डाल देना है, आवश्यक सामग्री उपकरण एवं औजार। और इसके बाद देखिए, आपका जो सामग्री उपकरण रहेगा उसका क्रम संख्या क्या रहेगा, औजार मापी यंत्र मात्रा, और आपका सामग्री और मात्रा आपका रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों का अमीटर रहेगा जो कि एक पीस, और पावर सप्लाई डीसी बैटरी 12 वोल्ट भी आप लोग रहेगा एक पीस, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का 2 नंबर पे है मल्टीमीटर जो कि एक पीस का रहेगा, और अज्ञात प्रतिरोध आपका एक रहेगा, और तीसरा है आप लोगों का परिवर्तित प्रतिरोध, ठीक है, यह भी आपका एक पीस रहेगा। और इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तब आपका सामग्री भी आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें क्रम संख्या दिया गया है, सामग्री दिया गया है, आकार मात्रा, ठीक है। तो देखिए, आपका पीवीसी वायर आपको चाहिए, सबसे पहले पीवीसी तार 5 मीटर एक पीस, पीवीसी इंटू इंसुलेटेड टेप एक पीस, और इसके बाद आपका तीसरा है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड एक पीस, लैंप आपका 100 वाट का एक पीस, आईसीडीपी स्विच 16 एम्पियर एक पीस। इसके बाद देखिए, आपका यंत्र जो रहेगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ये दोनों आपको चाहिए, जो कि एक पीस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर 2 पीस का आपका रहेगा, तभी आप लोग यह प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए, अब मैं आप लोगों को कार्यविधि बता दे रहा हूँ। तो देखिए, वर्किंग मेथड क्या है, कार्यविधि कुछ इस प्रकार कहीं डालिए, और इसके बाद देखिए आप लोग फिगर को ड्रा कर लीजिएगा। यही मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, यही आपका फिगर है, और आप लोग इसी को देखकर अपने ड्राइंग में बना दीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल के एग्जाम में। और आप लोग सेम इसको कैसे आप लोग प्रैक्टिकल को कर रहे हैं वैसे ही आपको कार्यविधि लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग फिगर देख लिए होंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए, मैं आप लोग कार्यविधि बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों का पहला कार्यविधि है, सर्वप्रथम आप लोगों को चित्रानुसार परिपथ संयोजित करें, दूसरा है यहाँ क्यू और एस ज्ञात मान के प्रतिरोध को पी परिवर्तित प्रतिरोध है, तीसरा है इसके बाद का मान तब तक परिवर्तित करें जब तक कि अमीटर में 0 विक्षेप ना आ जाए, और आपका चौथा है मल्टीमीटर की सहायता से परिवर्ती प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अब निम्न पी बाई क्यू आर बाई एल सूत्र द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यह आप लोगों का रह गया कार्यविधि। अब इसके बाद प्रैक्टिकल करवा कौन कौन से आपको सावधानियां अपनाना है, तो आपको सावधानियां लिखना है। पहला आपका है कोई भी संयोजन ढीला ना हो, दूसरा है पावर सप्लाई चालू करने से पहले परिपथ जांच ले, तीसरा है अमीटर में 0 त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और आपका निष्कर्ष का निकला प्रैक्टिकल दौरान तो भी आपको लिखना है। तो निष्कर्ष हेडिंग डालिए, इसके बाद आप लोग लिखिएगा अज्ञात प्रतिरोध आर का मान व्हीट स्टोन सेतु द्वारा सफलतापूर्वक ज्ञात किया गया, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध आर का मान व्हीट स्टोन सेतु विधि द्वारा सफलतापूर्वक ज्ञात किया गया। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रैक्टिकल का को लिखना है और ऐसे ही आपको करना है, तो आपको पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और वीडियो बनाया हूँ आईटीआई प्रैक्टिकल पे, तो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे आई बटन पे या फिर मेरे इंड इंड स्क्रीन में आप लोगों को
वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल में आपका पूछता है और इस बार भी आप लोगों का पूछेगा। आगे कोई भी अपडेट्स नोटिस आती है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।